एमबीए के सेक्रेटरी श्री ज्ञानेश्वर बोले, एनआरआई पीआईओ और फॉरनर्स कैटेगरी में भाग लेने के लिए आए हमारे बहुत ही बुद्धिमान बच्चे, और यहाँ केंद्रीय विद्यालय से इस अद्भुत खेल को देखने के लिए पढ़ा गए हमारे केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि विदेश मंत्रालय द्वारा जितने कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनमें सबसे प्रिय कार्यक्रम मेरा है भारत को जानिए क्विज। उसमें जिस तरह से हमारे क्विज मास्टर्स कुणाल सावरकर और सीमा चाली इसे कंडक्ट करते हैं वो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। ये कार्यक्रम हमने क्यों शुरू किया, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। परंतु मैं आपको बता दूं कि जो तीन कैटेगरीज हैं ये क्या हैं, आप सुन तो रहे हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन ये क्या है। एनआरआई कैटेगरी है नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब भारतीय हैं लेकिन भारत में रहते नहीं, जिन्हें हम प्रवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय कहते हैं। पीआईओ है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के लोग जिनके फोर फादर्स 100-150 साल पहले भारत छोड़कर गए थे। और हमने इस वर्ष से एक नई कैटेगरी जोड़ी है फॉरेनर्स, यानी पूर्ण तौर पर विदेशी। लेकिन आपने यहाँ देखा जो नाम थे अभिनंदन दर्शिनी, ये लगता है कि वो विदेशी सिटीजन जरूर बन गए हैं, लेकिन अभी भी नाम रखते हुए उन्हें भारत के नामों की याद आती है, और आज भी उनके माता पिता उनका नाम अभिनंदन व दर्शिनी जैसा नाम रखते हैं। तो ये नई कैटेगरी हमारी जुड़ी है। इच्छा ये थी कि भारत के बच्चे जिस तरह से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और देशों के बारे में, आज अभी हम और मुझे जी बैठकर कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन एज में हमारे बच्चे इतना ज्यादा जानते हैं अन्य देशों के बारे में, लेकिन ये लोग चूंकि बरसों पहले चले गए तो धीरे धीरे भारतीय जड़ों से कट रहे थे, भारत के बारे में जानकारी इन्हें बहुत कम थी, और जो जानकारी थी वो गलत थी। क्योंकि हम एक कार्यक्रम करते हैं TIP नो इंडिया प्रोग्राम, उसमें 40 बच्चे बुलाते हैं दूसरे देशों से, वो भी TIO कैटेगरी से आते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं उनसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि आप भारत के बारे में जो जानते थे क्या भारत वैसा ही लगा, तो कहते नहीं, हमें तो बताया गया था कि भारत में अभी भी सपेरे हैं। एक लड़की ने तो कहा फ्री से आई थी, उसका जहाँ जाओगे वहाँ सांप ही सांप दिखाई देंगे, अभी भी वो इसे स्नेक चार्मर्स का देश मानते हैं, अभी भी वो ऐसा देश मानते हैं जहाँ सड़कें नहीं है, अभी भी वो ऐसा देश मानते हैं जहाँ बेहद गरीबी है। लेकिन जब वो बच्चे यहाँ आते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, यहाँ की गर्मजोशी देखते हैं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देखते हैं, यहाँ की वॉर्मथ देखते हैं, तो एकदम अभिभूत हो जाते हैं, और जाते हुए इतना रोते हैं भावुक होकर, इतना रोते हैं कि कहते हैं कि आप हमें दोबारा कब बुला रहे हैं। तो हमें ये निकला कि ये जो हमारे कार्यक्रम में ये बच्चे आते हैं नो इंडिया प्रोग्राम वाले, तो क्यों ना हम एक ऐसा क्विज करें भारत को जानिए के नाम से, कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के बारे में पढ़ें, सही पढ़े, और इनाम जीतने की इच्छा से सही उत्तर देने के लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही उत्साह से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला जो हमारा क्विज हुआ 2015 में, उसमें 5,000 बच्चे आए थे। लेकिन मैं आपको हैरान की बात बताना चाहती हूँ कि इस बार 40,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 40,000। अभी आपने अपने सामने उम्र देखी, 20 साल का अश्विन और 17 साल का शौर्य। शिहरी जरूर 36 के थे, लेकिन अश्विन और शौर्य छोटे छोटे बच्चे, शायद उनमें से एक आध बच्चा आपने उनकी उम्र से बड़ा बैठा होगा, जो 12वीं के बच्चे हो शायद 17-18 के बैठे हुए, लेकिन शौर्य 17 साल का, अश्विन 20 साल का। लेकिन कितना जानते थे वो भारत के बारे में, कितना जानते थे। इसी तरह से हमारे जो PIO के बच्चे आए,
जिनके फोर फादर 100-150 बल्कि मॉरिशस वाले तो 180 साल पहले चले गए थे, आज वो भारत के बारे में इस क्विज के कारण से जानना शुरू हुए हैं। और फॉरेन कैटेगरी में महान ने तो हम सबको अभिभूत कर दिया। शी वेल्ड अप अगेन एंड अगेन, शी वेल्ड अप, इतनी ओवरवेल्म थी वो, एक एक आंसर देते हुए कितनी ओवरवेल्म थी, कितनी तैयारी करके वो आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसका भारत के प्रति प्यार। महात्म जरूर जिंदगी में पुराने जन्मों में भारतीय रही होगी, वही हिंदुस्तान का प्यार तुम्हारे अंदर उमड़ रहा है। हम पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, तो पूर्व जन्म में तुम जरूर भारत में जन्मी होगी, वही प्यार तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी बातचीत में झलक रहा था। हम जब इन बच्चों को बुलाते हैं तो आगे की बात भी बता दूं, ये जितने बच्चे यहाँ आते हैं चुनाव के, क्योंकि हम राजनीति वाले चुनावी दिमाग में रहता है, वैसे चुनाव चल रहा है, ये जो क्विज है ये क्विज को जीते या न जीते, लेकिन इन्हें हम 25 दिन की भारत यात्रा पर ले जाते हैं। और इस बार आप खुश होंगे सुनकर, ये जो बच्चे आए हैं ये लक्षद्वीप जाएंगे और उसके बाद वाराणसी जाएंगे, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ हो रहा है और वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है, ये वहाँ शामिल होंगे प्रवासी भारतीय दिवस में। फिर ये प्रयागराज आएंगे, वहाँ ये कुंभ का मेला देखेंगे और उसके बाद हम इनको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड दिखाने के लिए भी लेकर के आएंगे। ये बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें केवल क्विज में या प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने का मौका नहीं मिल रहा, बल्कि इन्हें भारत की गणतंत्र दिवस परेड देखने का मौका मिलेगा। कुंभ जो 12 बरस बाद आता है वो इनके इस यात्रा के दौरान आया है, इन्हें कुंभ का स्नान करने का मौका मिलेगा। बच्चों मैं आप सबको बधाई देती हूँ, स्पेशली जिन्होंने मेडल जीते हैं, चाहे उन्होंने ब्रॉन्ज जीता हो, सिल्वर या गोल्ड जीता हो, वो सब विजेताओं को मैं अपनी ओर से बधाई देती हूँ, तीनों कैटेगरीज के बच्चों को बधाई देती हूँ। लेकिन ये जो बच्चे इनाम नहीं भी जीत पाए उनको भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप यहाँ जाएंगे, भारत की जिस डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं उसे अपनी आंखों से देखेंगे। अभी आपने केवल किताब में पढ़ा कि भारत में बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन जब आप यहाँ से लक्षद्वीप तक का सफर करेंगे तो डाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी। जब कुंभ में आप जाएंगे और पूरा भारत आपको एक जगह दिखाई देगा, और वो किसी इन्विटेशन का मोहताज नहीं है, कोई कार्ड नहीं भेजते हैं उनको, अपने तौर पर पंचांग से जानकर कब कुंभ आ रहा है चल पड़ते हैं, बिना सरकारी सुविधाओं के मोहताज में चल पड़ते हैं, अपने अपने सिर पर एक पोटली रखकर चल पड़ते हैं, वहीं पर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर चावल दाल बनाकर खा लेते हैं और चल पड़ते हैं। वो जो भारतीय संस्कृति है, मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि यूनेस्को ने भारत के कुंभ को भारत के इंटेंजिबल हेरिटेज के तौर पर, वर्ल्ड के इंटेंजिबल हेरिटेज के तौर पर मान्य किया है। ये भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने माना, तो एक तरफ 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने हमारे योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून की संज्ञा दी, और यूनेस्को ने भारत के कुंभ को इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्वीकार किया। ये भारतीय संस्कृति का एक दर्शन है जो ये बच्चे अपने आँख से देखेंगे। बच्चों आप बहुत सौभाग्यशाली, यू आर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, एंड आई कंग्रेचुलेट यू ऑल हु हैव गॉट प्राइजेस हियर, एंड आई कंग्रेचुलेट अदर्स ऑल्सो, एंड आई गिव माय best wishes to all who have not got the prizes but have participated in this quiz. Thank you all. Thank you, Kunal. Thank you, Seema, for a very good conduct of this. The conduct is so well that they are all overwhelmed. Thank you, Kunal. Thank you, Seema. Thank you, children. Thank you all.